व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? हेलो नमस्ते, जय जवाहर, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। लुमिनार आफ्टर लॉन्ग टाइम, इसको वॉश नहीं करा पाया मैं। 1:15 भी देखो कितना भीड़ है यहाँ पे। एक्चुअली क्या, बस जो है ना धमतरी वाला नीचे से होकर जाती है तो यहाँ पे भीड़ लग जाता है, नहीं तो फिर आगे आरंग वगैरह जाने के लिए ऊपर से निकल जाती है। बस स्टैंड का पीछे हो गया भाटा गाँव में, अब इसलिए थोड़ा जाम लगता है। देखो ना यहाँ भी बस खड़े कर दिए हैं। भिलाई वाले बस भी यहीं से टर्न होकर जाते हैं आजकल। यहाँ तो पानी आम बात है, बारिश थोड़ा सा होता है पानी भर जाता है। मैं यहाँ वॉश करा लेता बाइक, लेकिन ये भीड़ था और टाइम भी हो रहा था, मुझे 1:15 को पहुँचना था। बहुत दिन हो गया, लॉन्ग राइड करना ज़रूरी हो गया मेरे लिए, तो मतलब एज ए यूट्यूब के लिए ना, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी हो गया क्योंकि 1 साल हो गया है। लास्ट ईयर 20 तारीख को 80 के दिन मतलब निकला था मैं लद्दाख के लिए। काफ़ी एडवेंचरस राइड था वो वाला। वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन में आ रहा होगा, लद्दाख सीरीज पूरा देखो भाई। पहली बार गया था अकेले और इस बार भी कहीं का प्लान कर रहा हूँ मैं, पक्का जाऊँगा। रेगुलर होना पड़ रहा है, थोड़ा पैसा बना रहा हूँ फिर निकलूँगा। अभी हम जा रहे हैं BMW के शोरूम में, भी वहाँ पे कुछ गाड़ी है उसका शूट कर सके, और चिंतामणि भैया को भी गाड़ी शूट करना था, मतलब ओनरशिप रिव्यू बनाना था इस गाड़ी का, तो बोले थे ले आओ धुलवा के। धुलाने का टाइम मिला ही नहीं, मैं आज सो गया था क्योंकि मेरा जो बैक है वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, बैक पेन फिर चालू हो गया मेरा। ओके जी, हमारी ड्रीम बाइक उधर खड़ी है, वहाँ पे लगा देते हैं अपनी गाड़ी। हमारी ड्रीम बाइक तो फिलहाल अभी है। BMW में नाम ऐसा है ना भाई, उल्टा है। अपाचे RR 310 था, इसमें G310R हो गया। यहाँ पे आज टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं, ये टेस्ट राइड मतलब ड्राइव नहीं, राइड होता है। BMW 850 GS परिवहन सर है, उन्होंने गाड़ी दिया। अभी चिंतामणि भैया टेस्ट राइड करेंगे, फिर मैं करूँगा। मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, KK राइडर गैराज, तो वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर लो। अपनी भी बाइक पर सस्पेंशन के अलावा सब चीज़ अच्छी है। सस्पेंशन इसका अच्छा हो जाता ना तो बढ़िया हो जाता। ये देखिए, ये है बॉटल होल्डर, ये बॉटल होल्डर बहुत काम करता है यार। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अमेजन लिंक, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हो। काफ़ी कन्वीनियंट है, थोड़ा सा पैर यहाँ आ रहा है ऐसा, बट ये यहीं पर लगाया क्योंकि बाहर लगाता ना तो थोड़ा दिक्कत होता, यहाँ पे आ रहा था यहाँ पे थोड़ा, इसलिए मैं यहाँ लगा दिया। बस इसको घुमा सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये भैया लोग हैं, ये लोग बी रोल शूट करेंगे भैया की गाड़ी का। बच्चे लोग देख रहे हैं हम लोगों को, हेलो। बच्चे लोग खुश हो जाएंगे। हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं 850 GS, बार बार 1250 आ जाता है मुझे। तो भैया शूट कर चुके हैं डोमिनार का ओनरशिप, तो इनके चैनल में जाके विजिट कीजिए। नए चैनल का क्या नाम है अभी डिसाइड नहीं हुआ है, फिर भी नए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस यहाँ पे शूट चल रहा है दोनों गाड़ी का, अलग अलग सिनेमेटिक शॉट ले रहे हैं अमन भाई, मस्त जबरदस्त। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? हेलो नमस्ते, जय जोहर, आई होप यू इज डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं कृतेश कुमार और आज मैं शूट करने जा रहा हूं BMW 850 GS। ये जो गाड़ी है ये दो मॉडल में लॉन्च हुई थी, 850 GSA और GS। ये GS वर्जन है, रैली वर्जन। तो इसके ऊपर एक बाइक आती है, वो है 1250 GSA और 1250 GS, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। ये इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा, इसके कंपटीटर में टाइगर 900 है, टाइगर 850 है और वर्सेस 1000 है, और डुकाती की मल्टी स्टार्टा 950 है। तो हम आज इसके बारे में बात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसका वॉक अराउंड दिखा देता हूं, बता देता हूं कि क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये GS प्रॉपरली एडवेंचर से रिलेटेड है, एडवेंचर के लिए है बना हुआ है। इसमें 21 इंच के व्हील्स आते हैं, स्पोक्स व्हील आते हैं, और 17 इंच के रेयर व्हील्स आते हैं, जिसमें मेडजलर्स के टायर लगे हुए हैं, जो कि डुअल पर्पस है, टूरिंग पर्पस के लिए भी और ऑफ रोड के लिए। बात करते हैं इसके ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में, तो डिज़ाइन काफ़ी एडवेंचरस है, मतलब वो है कॉम्पैक्ट है। मैंने थोड़ा सा अभी ड्राइव किया था, टेस्ट राइड किया था, काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ी सी इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है अभी मेरे हिसाब से, नहीं है मतलब उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप डैम्पर देख रहे हैं, ये एडजस्ट करने के लिए बना हुआ है। इसमें TFT डिस्प्ले अच्छे से दिया हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे मोड्स हैं, जैसे 4 मोड्स हैं, रैन रोड और डायनेमिक इंडियोरो, ये सब है। अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें इंडियोरो प्रो है इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पिलियन वगैरह भी आराम से आप बैठा सकते हैं, सीट का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मतलब चौड़ा है। राइडर्स के लिए तो बहुत कंफर्ट है, टूरिंग करते हैं तो इसमें आप आफ्टर मार्केट
या फिर BMW के शोरूम से एसेसरीज वगैरह जैसे टॉप बॉक्स पैनियर ले सकते हैं। GS में क्या होता है, जो फ्यूल टैंक है वो कम रहता है, इसका छोटा रहता है। और GS जो मॉडल आता है इसका 850 GS रैली, उसमें टैंक साइज ज़्यादा रहता है, 30 लीटर का रहता है, तो वो टूरिंग पर्पज के लिए है, मतलब ऑफ रोड के लिए कम रहता है। ये ऑफ रोड बायस ज़्यादा है 850। इसमें एक फीचर और है, आप ऑन द गो गाड़ी जैसे चल रही है, बाइक चल रही है, आप पिलर भी बैठा है, लगेज भी है, तो आप ऑटोमेटिक इसका जो सीट हाइट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें डैम्पर लगा हुआ है, आप जैसे कि देख सकते हैं, और इसमें हीटेड ग्रिप्स है, अगर ठंडी जगहों में आप राइड करते हैं तो हीटेड ग्रिप्स भी काम आते हैं। प्लस इसके अलावा क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया गया है। क्रूज कंट्रोल में क्या होता है, जैसे ही आपकी सर्टेन स्पीड हो जाती है 40, उसके बाद ये इनेबल हो जाती है, आप मतलब कर सकते हो इनेबल। ये सारे फीचर हैं। TFT इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। इसमें फ़ोन कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन दिया गया है। GSA मॉडल में एक चीज़ और आती है, इसमें कीलेस है, एक्चुअली दोनों मॉडल में कीलेस है, ये इसका की है, इस तरह से की है। GSA लेते हैं इसका, तो इसमें एक अलग से कैबिनेट आता है जहाँ पे की रख सकते हैं, इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है। बाकी दोनों बाइक सेम पावर की है, लगभग 85-95 समथिंग PS पावर है, यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं। 850 GSA के बारे में एक अच्छी बात है कि ये पूरा एडवेंचर बायस्ड है, मतलब ऑफ रोड अच्छे से होता है, इसलिए इसको बनाया गया है। काफ़ी समय से ये जो गैप था 850 का वो बंद हो गया था, 750 का भी आता था वर्जन, बट वो बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था, बट इसको थोड़ा अपडेट करके लाया है, क्योंकि अभी जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है तो उस हिसाब से फीचर्स भी डिमांडेड रहते हैं, तो उस हिसाब से ये बढ़ रहे हैं। इसमें जो फुट रेस्ट वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से है, जैसे कि मैं बैठ रहा हूँ तो आप देख सकते हो मेरे दोनों पैर आराम से आ जाते हैं। मेरा जो हाइट है वो लगभग 5 फीट 8 इंच 9 इंच का हाइट है, तो उस हिसाब से मेरे दोनों टो तो आराम से आ जा रहे हैं। टूरिंग करते हैं तो आपको चार्जर की ज़रूरत पड़ती है, मोबाइल होल्डर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे चार्जर दिया हुआ है। तो इसमें 7 इंच का TFT डिस्प्ले आता है, जिसमें आपको हर तरह की जानकारी, इवन बाइक से रिलेटेड जितने भी जानकारी हैं वो सारे इसमें व्हीकल इंफॉर्मेशन हो जाते हैं, कब सर्विस करानी है। अगर आप 850 GSA लेते हैं तो उसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का भी मिलता है, इसमें GS में वो ऑप्शन नहीं है। तो कुछ कुछ फीचर हैं जो डिफ़र करते हैं, जो प्राइस है वो लगभग ये 13-14.5 लाख के अराउंड पड़ती है, तो GSA मॉडल ज़्यादा महंगी है, बाकी सब सेम है। आगे मैं राइड करूँगा, ऑफ रोड करूँगा, तो थोड़ा और अच्छे से बताऊँगा मोटो ब्लॉग में, तो मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉग में। तो ये है BMW 850 GS का की, मतलब कीलेस, तो ये इस तरह से इसको पॉकेट में रखते हैं, फिर उसके बाद इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ऑन करते हैं तो ये दिखाता है GSA का मस्त सा एकदम इंफोटेनमेंट। तो इस तरह से सामने से कॉकपिट डैशबोर्ड इस तरह से दिखता है, और इसका साउंड सुनो, प्राइस वैल्यू अगर देखोगे तो टाइगर 900 से बहुत सस्ती है, मतलब 2-3 लाख कम पड़ रही है। टाइगर रैली जो है 900 प्रो है वो है आपका 17.5-18 लाख तक जाती है, अगर टॉप मॉडल लेते हैं तो। अगर इसमें टॉप मॉडल भी लेते हैं तो 14.5-15 तक मैक्स टू मैक्स जाएगी। तो उस हिसाब से BMW में अच्छी लॉन्च की है बाइक, फीचर्स के साथ जो फीचर होने चाहिए, हालांकि इलेक्ट्रॉनिकली ज़्यादा इसमें फ़ीचर्स है, तो बाइक काफ़ी ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल है। मतलब एक बार गाड़ी में बैठने के बाद आपको लगता नहीं है कि आप इसको मतलब मतलब हैवी फील होगा, आपको बहुत अच्छा फील होता है इसमें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये कंफर्टेबल है। और क्रूज़ कंट्रोल तो अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जगह ही ऐसा नहीं है मुझे कि हाईवे वगैरह रहता तो क्रूज़ करता, थोड़ा सा इसको मैनूवर करने में मुझे दिक्कत हो रहा है कि हाइट का इशू है थोड़ा, अगर पैर वगैरह, पैर तो आ जाता मेरा, बट टर्निंग में ना थोड़ा हाइट के कारण मुझे ये हो रहा है, बाकी बहुत अच्छा है यार, कम्फर्टेबल है। सैडलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, सैडलिंग आराम से कर पा रहा हूँ इसमें मैं। रोड मोड में एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखा 7 किलोमीटर आज रनिंग हो गई है अभी तक ट्रिप 1 में, मतलब ये सब चीज़ें हैं। और ये डैम्पर है, अगर डैम्पर को ऐसे दबाते हैं तो ये शायद उठता है, डायनेमिक प्रो कुछ लिखा हुआ रोड में है, तो ये जो डैम्पर है वो डायनेमिक में यूज़ नहीं होता। डायनेमिक ऐसा मोड है जिसमें गाड़ी ऑटोमेटिक अडॉप्ट कर लेती है कि किस तरह से आपको चलना है। ओह ओह, थर्ड गियर में 80-90 चले जाता है यार ये जो सामने देख रहे हैं उसके आगे थोड़ा ऑफ रोड का पैच है, बट मैं ऑफ रोड नहीं कर पाऊँगा, तो कोई नहीं। ये पूरी जो GS है ऑफ रोड बेस्ड है, ऑफ रोड है, शायद यहाँ से रास्ता होगा तो देखता हूँ, अगर नहीं होगा तो फिर आ जाऊँगा मैं। अरे नहीं है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक ठीक ठीक। ये देखो, पिछली बार मैंने GS को यहाँ चलाया था तो अच्छा लगा था,
का जो सस्पेंशन है काफ़ी अच्छा है। टाइगर 900 से इसका जो प्राइस की बात करूँ टाइगर 900 से थोड़ा सा कम है, तो सही है ये बाइक। अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं तो ये कंसिडर कर सकते हैं। पावर भी एग्जैक्ट फिगर है, ठीक ठाक ही है मतलब टूरिंग के हिसाब से। मैं अगर बोलूँ रायपुर में BMW का शोरूम है, सर्विस सेंटर, इसलिए मैं इसको परचेस कर सकता हूँ। टाइगर का नहीं है मतलब ट्रायम्फ का, तो थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर भी रहो ऑल इंडिया सर्विस हो ही जाती है बाइक की। बाकी ये एक बार गाड़ी में चढ़ने उतरने का टाइम बस थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि हैवी लगता है, बाकी उसके बाद तो भाई बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। तो वीडियो यहीं तक गाइस, और भी जानकारी थी तो कमेंट बॉक्स में बोलो। मैंने इसको घायगा में बनाया है और अच्छे से रिव्यू करना है तो मैं प्रॉपर टाइम देख बनाऊंगा। अभी मैं तो जस्ट किसी के कॉल पे आया था, भैया के कॉल पे, भैया वीडियो बना दे। तो वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और भी कोई नई बाइक के साथ प्यार बरसाते रहो, दिखाते रहो। और यहाँ पर खुदा दूँ क्या? ये देखो खुदा दिया।